हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे फ्रेंड्स बिल्कुल नए तरीके से आलू जीरा की रेसिपी। फ्रेंड्स बहुत टेस्टी बनती है, कम टाइम में बनके ये सब्जी तैयार हो जाती है। चलते हैं फ्रेंड्स रेसिपी को। इसको बनाने के लिए 400 ग्राम आलू लेंगे, आलू को छील लेंगे और आलू को बड़े बड़े साइज में चॉप कर लेंगे। और आलू को अच्छे से हम 2 से 3 पानी कटा हुआ आलू को धो लेंगे और उसके बाद एक कढ़ाई में रख के इसको उबालने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहे तो पहले से भी आलू उबाल के रख सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। आलू जब उबल जाए तो एक छन्नी में निकाल लेंगे और आलू में जो पानी रहता है उसको टपकने देंगे। इसको हम सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई 3 से 4 चम्मच तेल डाल देंगे, 1 तेज़पात को तोड़ के डालेंगे, आधी चम्मच जीरा डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हींग डाल देंगे, 4 से 5 सूखी लाल मिर्ची तोड़ कर डालेंगे। इनको तड़कने देंगे, सूखी लाल मिर्ची को थोड़ा सा काला होने देंगे और हींग की खुशबू आ जाएगी तो ये सब्जी में और टेस्ट बढ़ जाती है फ्रेंड्स। उसके बाद जो आलू हम छान के रखे हैं उसको डाल देंगे और फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको चला देंगे। सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। 2 मिनट के लिए बिना मसाले को ऐसे ही हम भून लेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। जब 2 मिनट के लिए आलू भून जाए तो मसाला डालेंगे। मसाला में सबसे पहले मैं आधी चम्मच मैगी मेजिक मसाला डाल रही हूँ और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, इन सारे मसाले को डाल के मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए सब्जी को अच्छे से भूनेंगे। सब्जी को ढक के नहीं भूनेंगे फ्रेंड्स, बिना ढके हुए ही सब्जी को भूनेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए सब्जी को भून लेंगे। सब्जी को 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। जब सब्जी अच्छे से भून जाए तब इसमें बारीक कटा हुआ 1 मुट्ठी धनिया पत्ता डालेंगे। धनिया पत्ता को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस ऑफ कर देंगे और 1 प्लेट में निकाल के सब्जी को सर्व करेंगे। अगर फ्रेंड्स मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, अगले वीडियो मिलेंगे।